Hi guys, welcome back once again. I hope you guys are doing absolutely great and enjoying your day. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि टॉप 5 साइकिल्स अंडर 10,000 नॉन गियर साइकिल्स आपको वर्कआउट के लिए, राइड करने के लिए कैसा मैंने आपको बताया जैसे अभी पिछली वीडियो में. सो अब मैं इस बार नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको टॉप 5 साइकिल्स अंडर 15,000 द गियर्ड साइकिल्स कौन से हैं जो बेस्ट हैं आपके लिए. आप जब भी ट्रैवल करना है, लॉन्ग राइड्स करना है, कोई स्टीप जाना है तो उस टाइम पे कौन से टॉप 5 है वो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके इस बुक में लाया हूँ और आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में. और इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ा गिव अवे मैं अनाउंस करने वाला हूँ जो कि पूरी की पूरी एक साइकिल गिव अवे करूँगा. मैं कब गिव अवे करूँगा, क्या है सारे क्राइटेरिया, वो लास्ट में आपको पता चलेगा. तो इस वीडियो को स्किप मत करो और पूरा एंड तक एक साथ देखो. सो सबसे पहला जो साइकिल है वो है डिकैथलॉन की तरफ से रॉक राइडर ST 50, जिसमें आपको एलॉय फ्रेम मिलता है. ये साइकिल ST 50 अलग ही कुछ नहीं है. इसमें ये सेम साइकिल है रॉक राइडर 340. इसको न्यू वर्जन में, न्यू कलर, शाइनी ब्लैक कलर में लेके आया है मार्केट में विद द सेम स्पेसिफिकेशन एवरीथिंग. Just the pricing has been increased because of the margin. तो है ये है. Now the price is 14,999 of this cycle. So ये साइकिल में आपको मिलता है alloy frame जो कि इस बाइक को बहुत ही लाइट बनाती है एंड नॉन रस्टेबल फ्रेम बनाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन रस्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हम बाइक्स मोस्टली बाहर रखते हैं तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसके वजह से नेचर से वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसका कलर खराब होता है एंड रस्ट लग सकता है. तो इस बाइक में वो टेंशन नहीं है आपको. इसमें आपको मिलता है 21 gears, 7 at the back and 3 in the front, which makes a combination of 7 3s are 21 with the rotational shifters on this bicycle. But the best part is like Decathlon provides you to upgrade the shifters to. So Decathlon आपको ऑप्शन देता है अपग्रेड करने के लिए थंब शिफ्टर पे. काफ़ी आसान है, काफ़ी बेस्ट है. इसका जो व्हील बेस है वो है 26 इंचेस का एंड इसमें जो सस्पेंशन है वो आपको देता है 90 mm का ट्रैवल. सो इसमें आपको मिलता है सिंगल वॉल एलॉय रिम्स जो कि लाइट बनाता है इस बाइक को जितना पॉसिबल हो सके उतना. एंड इसमें आपको 26x1.75 के टायर्स मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है. सो ये जो रॉक राइडर ST 50 है ये डिकैथलॉन की तरफ से बाइसिकल है. इसमें आपको मिलता है 2 years ऑफ मैनुफैक्चरिंग वारंटी ऑन योर हैंडल बार, ऑन द स्टेम एंड फ्रंट एंड बैक बोथ द रिम्स एंड लाइफ टाइम वारंटी ऑन द फ्रेम. एंड विद इन 6 months यू गेट 1 सर्विस फ्री फ्रॉम डिकैथलॉन जो कि आपके नियरेस्ट डिकैथलॉन में आप कभी भी लेके जाके उसको सर्विस करवा सकते हैं. सो बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे बाइक की तरफ जो कि है फिट ट्रिप स्नाइपर 221. ये है हाई स्टील एंड इसका जो सस्पेंशन है वो है XC40 सस्पेंशन विद द 90 mm ऑफ ट्रैवल. एंड इसका जो व्हील बेस है वो 27.5 इंचेस का व्हील है. इसमें अगेन आपको मिलता है 21 स्पीड गियर जो कि 7 एट द बैक एंड 3 इन द फ्रंट. सो ये आपका 7 3 21 का रेशियो बनाता है. सो इसमें जो गेयर सेट है वो है शिमानो के टर्नी TZ जो कि बेसिक लेवल के, एंट्री लेवल के गेयर सिस्टम आपको मिल रहे हैं इसमें. सो इसमें जो आपको शिफ्टर्स मिल रहे हैं वो है रैपिड फायर शिफ्टर्स. जैसे आप देख रहे हैं ये शिफ्टर ब्रेक्स के साथ में अलाइंड है. तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल लुकआउट है ये कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है शिफ्टर्स, बिकॉज अगर इसमें कुछ भी इशू है जैसे शिफ्टर ख़राब हुआ या मान लो ब्रेक ख़राब हुआ तो आपको ये पूरा सेट चेंज करना पड़ता है जिसमें आपको पूरा ब्रेक का भी सिस्टम चेंज होता है साथ ही साथ गियर का भी. तो मेरा मानना है कि हमेशा ये अलग होए, शिफ्टर्स अलग होने चाहिए और ब्रेक सिस्टम अलग होने चाहिए ताकि अगर मुझे ब्रेक्स टूट रहा तो सिर्फ ब्रेक चेंज करूँगा, शिफ्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो यहाँ पे ये थोड़ा डाइसी हो जाता है. बट इसमें आपको मिल रहा है डुअल डिस्क ब्रेक जो कि आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं आपको 160 mm के रोटर्स के साथ में. एंड इसमें आपको मिलता है फ्रंट व्हील में क्विक रिलीज. सो इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि. एंड इसमें आपको मिलता है डबल बॉल एलॉय रिम्स जो कि काफ़ी लाइट बनाता है, नॉन रस्टेबल बनाता है रिम्स को. एंड डबल बॉल मतलब उतना स्ट्रेंथ देता है उस व्हील को कि वो बम्प्स पे, कर्व्स पे जा सके और कोई इफेक्ट ना हो. इसका जो टायर है वो है वांडा की तरफ से 27.5x1.2 और इसके फ्रेम पे आपको मिलता है 3 years का वारंटी. फिट ट्रिप स्नाइपर जो है ये आ जाती है आपको 15,000 के आसपास आपके लोकल मार्केट में. सो आगे बढ़ते हैं तीसरे साइकिल की तरफ जो है हीरो ऑक्टेन जैक्रैबिट. सो इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो है 6061 एलॉय का. इसमें भी आपको मिलता है कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जो कि 90 mm का ट्रैवल देता है आपको. एंड अगेन इस बाइक में भी आपको 21 स्पीड के गेयर्स मिलते हैं शिमानो टॉर्नी TZ जैसे वो बेसिक एंट्री लेवल है. एंड इसमें फिर से आपको मिलता है फायर रैपिड शिफ्टर जो कि मैंने आपको बताया अभी कि कितना वो डाइसी होता है अगर कुछ उसमें इशू आ गया तो. एंड देन इसमें आपको मिलता है डुअल डिस्क ब्रेक. सो इसमें आगे भी एंड पीछे भी दोनों में डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं 180 mm के. मैकेनिकल डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक नहीं मिलेगा ये प्राइस में. अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है बट देन क्वालिटी विल बी लाइक बूम. एंड इसमें आपको ड्यूअल क्विक रिलीज मिलता है आगे पीछे दोनों की व्हील्स के लिए क्विक रिलीज, ताकि आप इजीली फ्रेम में से उस व्हील को निकाल सकें एंड आप ट्रैवल कर सकें। एंड इसमें आपको कैंडा की तरफ से टायर मिलता है जो कि 26x1.2 है एंड इसमें भी आपको डबल बॉल रिम मिल रहा है जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो बढ़ते हैं हम हमारे चौथे नंबर साइकिल की तरफ जो कि है सन क्रॉस टॉस्कैनो। इसमें हाईटेक स्टील है, मतलब ये हैवी हो गई बाइक एंड रस्टेबल हो गई। इसमें आपको सस्पेंशन मिलता है सन क्रॉस की तरफ से जो कि 90 mm का ट्रैवल सस्पेंशन है। इसमें भी आपको 21 स्पीड के गेयर्स मिलते हैं, शिमानो टोर्नी के गेयर्स मिलते हैं एंड इसमें आपको मिलता है फायर रैपिड सिस्टम का शिफ्टर्स जो कि अगेन डाइसी है। एंड इसमें आपको मिल रहा है डुअल डिस्क, आगे पीछे दोनों आपको डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं एंड क्विक रिलीज सिस्टम मिलता है सिर्फ फ्रंट में एंड डबल बॉल रिम है आगे पीछे दोनों जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इसका जो व्हील बेस है वो है 27.5x1.2। सो बढ़ते हैं हम हमारे नंबर 5 साइकिल की तरफ जो कि है फायरफॉक्स की तरफ से फायरफॉक्स फ्यूजन। इसमें आपको मिलता है स्टील फ्रेम विद जूम सस्पेंशन जिसमें 50 mm का सस्पेंशन मिलता है। अगेन स्टील फ्रेम होने की वजह से ये हैवी हो जाती है एंड रस्टेबल हो जाती है एंड जूम का सस्पेंशन इज़ ऑलरेडी थोड़ा हैवी तो ये बाइक थोड़ी हैवी हो जाएगी। इसमें आपको 21 स्पीड के गेयर्स मिल रहे हैं टॉर्नी की तरफ से एंड इसमें ऑल्टर्स के शिफ्टर्स मिल रहे हैं जो कि अच्छी बात है। शिफ्टर और ब्रेकिंग सिस्टम अलग रखा गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इसमें आपको मिलता है फ्रंट व्हील में क्विक रिलीज, तो क्विक रिलीज का फंडा मैंने बताया आपको, क्विक रिलीज मिलता है एंड इसमें मिलता है डबल वॉल रिम के व्हील्स। सो जो रिम है इसके डबल वॉल है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड इसमें आपको ये 26 के टायर्स हैं, 26 का ये व्हील बेस है, 26x1.2 के वांडा के टायर्स हैं जो कि ठीक है, नॉर्मली इट्स बेस्ट। सो इसका MRP आता है 16,200 बट आपके लोकल फायरफॉक्स शॉप में ये 15,000 के अंदर मिल जाएगा अच्छे डील में। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। अच्छा लगा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करो। इन्फॉर्मेटिव था तो कमेंट करके बताओ, ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बताओ मुझे, मैं इस पे और वर्क करूँगा और आप लोगों के लिए नए वीडियोस लाऊँगा। एंड जिसका आप लोगों को इंतज़ार था द गिव अवे इज़ अबाउट अ होल साइकिल। मैं एक पूरी की पूरी साइकिल गिव अवे करूँगा। वो गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, उसका सारा डिटेल्स मैं मेरे इंस्टाग्राम में लिंक कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो नहीं करते वो प्लीज़ अभी जाके फॉलो करो। देखो यहाँ पे आ रहा है सारे इंस्टाग्राम की डिटेल्स और पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो जो भी क्राइटेरिया है पार्टिसिपेट करने के लिए वो इंस्टाग्राम पर मैं डिटेल्स डाल दूँगा। इस वीडियो के बाद में पूरी की पूरी साइकिल गिव अवे करेंगे और आपके घर पे भेजेंगे हम साइकिल हमारी तरफ से, आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी मतलब मैं अकेला। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइज। प्लीज़ टेक केयर, बाय एंड हैव फन, गो फॉर ए न्यू बाइक, स्टार्ट राइडिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय।